और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है भाई फिर से आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग भाई कंपटीशन वीडियो में। भाई बिग कंपटीशन। तो भाई आज इस वीडियो में भाई जो दो न्यू नोबेल फोन जो अभी न्यू मतलब रिलीज हुआ है, तो आज इस दोनों फोन का भाई आज आप लोगों के साथ कंपटीशन मतलब करेंगे। तो भाई वीडियो में भाई वीडियो को लास्ट तक देना, आप लोगों को भाई वीडियो को लास्ट तक जाने के लिए ही आप लोगों को भाई समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा फोन आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। जो कि सबसे पहले एक भाई फोन 2 है जो कि भाई अभी इस मार्च में लॉन्च हुआ है, और दूसरा फोन है भाई जो फरवरी में लॉन्च हुआ था जो कि भाई रियलमी 12 प्रो। तो इस दोनों फोन का भाई कंपटीशन करेंगे इस प्राइस रेंज के अंदर जो अंडर 30,000 के अंदर। इस दोनों फोन के अंदर कौन सा फोन आप लोगों के लिए सही रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और कह देना चाहता हूं कि भाई देखो ये जो दो ब्रांड है दोनों ब्रांड ही भाई मतलब बहुत ही बढ़िया है, तो ऐसा कुछ मतलब हेट फैलाने का कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई मैं आप लोगों को बस ये एजुकेशनल पर्पस ये भाई बहुत सारे लोग सोच नहीं पा रहे थे कि भाई कौन सा फोन इस दोनों फोन के बारे में कि कौन सा फोन तुम लोगों के लिए बेहतर होने वाला है, तो इसीलिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ यार। तो चले गए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भाई मैं उस दीप्तन और वॉचिंग माई टेक्निकली उस यूट्यूब चैनल। तो चले गए आज का वीडियो को तैर पर शुरू कर लेते हैं। तो गाइस इस दोनों फोन का सबसे पहले भाई वेरिएंट, उसके बाद इसका कलर वेरिएंट क्या क्या होने वाला है, तो ये सब भाई बाद में बोलते हुए जाएंगे कि भाई इसका मतलब भाई साइड से लेके भाई बताएंगे भाई पूरा मतलब आप लोगों का हर एक चीज समझ में आ जाएगा यार। तो देखो नथिंग फोन 2A के अंदर भाई आप लोगों को दो वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सबसे पहले एक भाई 8GB 128GB जिसका प्राइस है भाई आप लोगों को 25,000 का अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, और जो 12GB 256GB जो है इसका प्राइस आप लोगों को अंडर 30,000 के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो 12 Pro Plus है Realme का, तो इसके अंदर आप लोगों को ये भी दो वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सबसे पहले एक है भाई 8GB 128GB जिसका प्राइस है भाई 25,000 के अंदर, दूसरा है भाई 8GB 256GB जिसका प्राइस है भाई 30,000 के अंदर। तो आप लोगों का भाई आप लोगों के प्राइस के हिसाब से और भाई वेरिएंट के हिसाब से आप लोग उसके साथ जा सकते हो यार। उसके साथ ही साथ भाई दोनों के अंदर आप लोगों को दो कलर वेरिएंट करके देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि नथिंग फोन के अंदर जो है ब्लैक एंड व्हाइट, दूसरा है भाई रियलमी के अंदर आप लोगों को इसके अंदर भी दो देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सबसे पहले है भाई सबमरीन ब्लू, दूसरा है भाई नेविगेटर बीच करके। आप बात करते हैं कि इसका भाई प्रोसेसर क्या क्या होने वाला है, क्योंकि भाई ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये जो नथिंग फोन है इसके अंदर आप लोगों को मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि भाई मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का, और जो सीपीयू है इसका 2.8GHz का, और जो रियलमी है इसके अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि भाई 6 Gen 1, और इसका जो सीपीयू है भाई 2.2GHz का। उसके साथ ही साथ आप बात करते हैं कि भाई इसका कैमरा क्या होने वाला है, तो भाई जो नथिंग फोन है इसके अंदर आप लोगों को दो कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक है भाई 50MP जिसका अपर्चर है भाई f1.88, दूसरा है भाई 50MP जिसका अपर्चर है भाई f2.22। उसके साथ ही साथ जो फ्रंट का कैमरा होने वाला है वो है भाई 32MP का जिसका अपर्चर है भाई 2.2। उसके साथ ही साथ आप बात करते हैं कि भाई रियलमी का क्या होने वाला है, रियलमी के अंदर भाई आप लोगों को तीन कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सबसे पहले एक भाई 50MP जिसका अपर्चर है भाई f1.8, दूसरा है भाई 8MP जिसका अपर्चर है भाई f2.2, तीसरा है भाई 32MP जिसका अपर्चर है भाई 2.0, और जो फ्रंट का कैमरा होने वाला है वो है भाई 16MP जिसका अपर्चर है भाई f2.4। आप बात करते हैं कि भाई इसका डिस्प्ले क्या क्या होने वाला है, तो दोनों के अंदर आप लोगों को 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन भाई नथिंग फोन के अंदर आप लोगों को फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जो 12 प्रो है मतलब रियलमी का, तो इसके अंदर आप लोगों को नॉर्मल एमोलेड देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके अंदर आप लोगों को प्रो XDR का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। उसके साथ ही साथ आप भाई रिफ्रेश रेट का बात कर लेते हैं, तो दोनों फोन के अंदर आप लोगों को 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन भाई ये दो फोन के अंदर तो रिफ्रेश रेट तो देखने के लिए मिल ही जाएगा, लेकिन भाई गेम के अंदर यानी कि पबजी BGMI फ्री फायर या फिर भाई और भी सारे गेम है, तो इस गेम के अंदर भाई 60fps सपोर्ट करता है कि नहीं आप लोग अगर जानना चाहते हो तो भाई मेरा ये जो चैनल भाई चैनल को जरूर से सपोर्ट दिखाते रहना। मैं आप लोगों को सारे फोन में पर्सनली खरीद कर आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग गेम टेस्ट
कैमरा टेस्ट आप लोगों का तरह तरह के भाई टेस्ट करके दिखाएंगे। तो कि भाई आप लोगों को ये जो अभी दिखा रहा हूँ ये तो भाई थ्योरी के लिए है, तो जब तक भाई प्रैक्टिकली नहीं दिखाऊँ तो भाई आप लोगों को बिलीव कैसे होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो मेरा चैनल है चैनल को सपोर्ट दिखा रहना, इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक एक लाइक कर देना, तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार के साथ भाई इस वीडियो को जरूर से फैला देना, क्योंकि भाई वो अगर ये फोन दोनों फोन के लिए जा रहा है, मतलब कोई से फोन खरीदने के लिए जा रहा है, तो ऐसा भाई कुछ ऐसा मतलब डाउट वगैरह नहीं रहे तो ही बढ़िया होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई फैला दो यार। आप बात करते हैं कि भाई इसका बैटरी क्या क्या देके रखा है, तो दोनों के अंदर भाई आप लोगों को बहुत बढ़िया बैटरी देके रखा है, जो नथिंग फोन के अंदर आप लोगों को 4500 mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा, 45 watt का फास्ट चार्जर देके रखा है, और वहीं पे जो रियलमी है इसके अंदर आप लोगों को भाई 5000 mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा, और ये इसका जो भाई मतलब चार्जर है ये भाई सुपर बुक 67 watt का चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा यार आप लोगों को। उसके साथ ही साथ भाई आप बात करते हैं कि भाई ये इसका एंड्रॉइड वर्जन क्या है, भाई ओएस क्या क्या है, तो नथिंग फोन के अंदर या फिर भाई रियलमी के अंदर तो ये दोनों फोन 2024 के अंदर रिलीज हुआ है, तो इस दोनों फोन के अंदर आप लोगों को एंड्रॉइड 14 देखने के लिए मिल जाएगा, और जो ओएस है आप लोगों को पाती है भाई दोनों फोन अलग अलग से ब्रांड का है, तो भाई अलग अलग से ओएस देखने के लिए मिल जाएगा। जो नथिंग फोन का है वो है भाई नथिंग ओएस, और जो 12 प्रो प्लस है मतलब 12 प्रो है जो रियलमी का, इसके अंदर आप लोगों को रियलमी यूआई देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप बात करते हैं कि भाई सेंसर क्या क्या देख रखा है। देखो भाई 25000 के ऊपर क्या फ़ोन ले रहे हो तो भाई सेंसर आप लोगों को हर एक सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, लाइक हो गया लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप, कॉम्पास, एक्सेलेरोमीटर, आप लोगों को हर एक सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत वगैरह नहीं है। उसके साथ ही साथ भाई दोनों के अंदर आप लोगों को डुअल 5G बैंड का सपोर्ट देने के लिए भी मिल जाएगा, तो आप लोग अगर भाई सोच रहे हो कि ऐसा नहीं है तो भाई मैं बता देता हूँ कि दोनों के अंदर आप लोगों को दो दो भाई एक साथ दो 5G सिम डाल के आप लोग भाई यूज कर सकते हो यार। इसके साथ ही साथ गाइस जो ये Realme 12 Pro है इसके अंदर आप लोगों को Dolby Atmos का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन शायद से भाई ये Nothing Phone 2A के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। अगर भाई आप लोग Nothing Phone के साथ जाना चाहते हो ना तो ये एक बार भाई मेक श्योर कर लेना कि ये Dolby Atmos का सपोर्ट उस फोन के साथ देखने के लिए मिलता है कि नहीं, और मतलब कन्फर्म करने के बाद मेरा कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को भाई कमेंट जो भाई सही बताएगा मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट में। उसके साथ ही साथ अब बात करते हैं कि भाई वेट क्या क्या होने वाला है, तो दोनों फोन का भाई सेम ही वेट है जो कि भाई 190 ग्राम का। तो गाइस आज आशा करता हूँ कि भाई ये जो वीडियो है वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है, आप लोगों को कैसा लगा भाई जरूर से कमेंट में बताना, ऐसी तरह वीडियो पाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर से सपोर्ट दिखाते रहना, क्योंकि मैं आप लोगों को जो बताया कि ये चैनल में भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप लोग अगर करोगे तो मैं सारे फोन को मैं मेरा पैसों से खरीद के आप लोगों के साथ भाई 19 जो 19 होता है गेम टेस्ट होता है आप लोगों के साथ हर एक चीज़ टेस्ट करके दिखा देंगे यार। तो चले गए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ ऐसे नहीं इंटरेस्टिंग वीडियो में, जाते जाते मैं आप लोगों को और एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि भाई देखो दोनों जो ब्रांड है बहुत बढ़िया ब्रांड है, तो ऐसा कोई हेड देने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं भाई ये एजुकेशनल पर्पज यहाँ पे भाई जो जो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि भाई इस दोनों फोन के अंदर कौन सा फोन सही रहेगा तुम लोगों के लिए, तो मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो ऐसा कोई हेड मत फैलाना यार। तो चले गए आज के लिए इतना ही, और मिलते कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो में, कीप वॉचिंग टेक्निकली उसे यूट्यूब चैनल, और फैला देना भाई तुम्हारा दोस्त रिश्तेदार का ग्रुप में, क्योंकि भाई उसको थोड़ा सा डाउट रहता है, तो भाई क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय।